श्याम लग की, श्याम लग की रात एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, श्याम मिलन की बात सोच। श्याम मिलन की बात क्यों सोचे? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि केवल मन के सोचने से क्या होगा? लोग कहते हैं भाई, मन मोदक खाने से पेट नहीं भरेगा, केवल सोचा करो, इससे संसार में कहीं भी किसी का कोई भी काम नहीं बनता। और फिर इसका परिणाम क्या होगा? अगर मन श्याम मिलन की बात सोचे तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ये सब प्रश्न इस लाइन से उठते हैं। संक्षेप में समझ लीजिए, श्याम मिलन की बात क्यों सोचना है? इसलिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य क्या है, केवल एक वाक्य में समझ लीजिए, स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्णैक सुख तात्पर्य मई सेवा। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए, स्वसुख वासना शून्य अर्थात अपनी इच्छाओं को, अपने सुख की इच्छाओं को छोड़कर श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनकी सेवा प्राप्त करना। इस वाक्य को मत भूलिएगा भगवत प्राप्ति के बाद भी। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य मई सेवा, ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। इसका डिटेल बहुत बार समझा चुके हैं। तो श्री कृष्ण की सेवा, श्याम सुंदर की सेवा, और सेवा में शर्त यह है कि अपने सुख की भावना ना हो, यही समर्था रहती है, यही गोपी प्रेम है, यही विशुद्ध प्रेम है, यही निष्काम प्रेम है, यही अविरल भक्ति है, यही निर्भरा भक्ति है, यही विशुद्धा भक्ति है, यही अनपायनी भक्ति है, अनेक नाम है। अब इसमें अगर हम काट छाट करते हैं, कुछ करेक्शन करते हैं, तो यही करेंगे कि भाई स्वसुख वासना गंध लेश शून्य को मिटा दीजिए, अपने सुख की कामना से श्री कृष्ण की सेवा करना, ऐसा अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। सेवा तो हम करेंगे श्री कृष्ण की, लेकिन अपने सुख की कामना से। आप ये शर्त लगा रहे हैं कि अपने सुख की कामना की गंध का लेश मात्र भी न रहे,
लेश मात्र भी दारुक द्वारिका में श्री कृष्ण को पंखा कर रहा था। पंखा करते करते उसको कंप हुआ आनंद में, सात्विक भावों का उद्रेक होता है उसमें, स्तंभ स्वेद कंप रोमांच आदि आनंद जन्य सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। उस सात्विक भाव से, उस कंप से उसे बहुत दुख हुआ कि मैं तो अपना सुख लेने लगा, श्याम सुंदर की सेवा में बाधा पड़ गई, क्योंकि जब शरीर में कंप होगा तो पंखा ठीक से नहीं होगा, तो हमारे प्रियतम की सेवा नहीं हुई, सेवा में डिस्टर्ब किया इस कंप ने, ऐसे कंप के प्रति क्रोध किया दारुक ने। श्याम सुंदर की आंखों से आंसू बहने लगे आनंद के, ऐसा मेरा भक्त है। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्प पूराभिवर्षिणम उच्चैर अनिंद दानंद मनबिंद विलोचना। श्याम सुंदर के सुख को ही सिद्धांत में सामने रखना है प्रतिक्षण, और उनको जो सुख मिलेगा उस सुख को देखकर सुखी होना। हम लोगों का अनादिकाल का एक स्वभाव है, अपने ही स्वार्थ के लिए प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया करना, ये हमारा स्वभाव रहा अनादिकाल से, यही स्वभाव रहा एकमात्र। ये सर्वविदित है, आप सब लोग जानते हैं, गधे भी जानते हैं, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने सुख के लिए ही सबकी प्रियता होती है। कहने के लिए आप माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से प्यार करते हैं, लेकिन क्यों? जब ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको चुप रहना पड़ेगा, आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उसका अगर वास्तविक उत्तर है तो एक है, अपने स्वार्थ के लिए। और ये बात अगर माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई सुनेंगे तो फिर अकांड कांड खड़ा हो जाएगा कि आप स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमसे प्यार करते हैं। हम तो समझ रहे थे कि आप हमारे लिए प्यार करते हैं, हमारे सुख के लिए। एक सिद्धांत याद रखिए, जब तक जीव को अपना सुख, अपना अर्थात मैं का, मैं माने आत्मा, आत्मा का सुख, अनंत आनंद, अनिर्वचनीय अपौरुषेय परमानंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल, संसारी नहीं, वो जब तक न मिल जाएगा तब तक हमारा मन सोच ही नहीं सकता दूसरे के स्वार्थ का कोई मामला, सोच ही नहीं सकता स्वप्न में भी एक बार भी। तो ये हमारा जो अभ्यास है अनंत जन्मों का, यही अभ्यास गुरु शरणागति में बाधक, यही अभ्यास भगवान की उपासना में बाधक, और यही दो वस्तुएं हमको भगवान से मिला सकती हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकती हैं। इसलिए हम गुरु शरणागति में भी फेल हो जाते हैं और भगवान की उपासना में भी फेल हो जाते हैं। शरणागति में केवल एक यही बाधा है, वो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी आदत बन गई है कि जरा भी असावधान हुआ कि वो आ गया पिछला अभ्यास। तो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक जीव वर्क करता है, और इस क्षेत्र में उसे काटना है, बिल्कुल उल्टा है। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनका मिलन प्राप्त करना है, उनसे मिलना है, मिलना लक्ष्य नहीं है। ध्यान दीजिए, आम लोग ये समझते हैं भगवान के दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए,
भगवत प्राप्ति क्या करोगे करके। भगवत प्राप्ति तो बड़ी छोटी सी चीज है। भगवत प्राप्ति तो सच पूछो तो सबको नेचुरल है, करना वरना नहीं है। या आत्मनितिष्ठति वेद का चैलेंज है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा रहता है। आत्मनि योगक्षरे तिष्ठन, तांडव शाखा में योगक्षरे तिष्ठन कहा, यो विज्ञाने तिष्ठन कहा, और माध्यंदिनी शाखा में या आत्मनि तिष्ठति कहा, वो आत्मा में रहता है। या आत्मान मंत्रो यमयति, खाली रहते ही नहीं है, आत्मा को चेतनत्व प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, उसकी शक्ति से ही फिर ये अंतःकरण और इंद्रियां वर्क करती हैं, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये जितने वर्क आप लोग करते हैं, ये सब उस परमात्मा की शक्ति से होता है। यहां तक कि जो आप लोग स्वप्न देखते हैं वो भी परमात्मा के द्वारा होता है। ये स्वप्न में जो जो संकल्प आप करते हैं नींद में सपने में, ये जीव संकल्प करने की शक्ति नहीं रखता है। सत्य संकल्प ये भगवान में ही एकमात्र शक्ति है। और जब आप गहरी नींद में सोते हैं तब भी वही आत्मा में रहने वाला परमात्मा आत्मा का आलिंगन करता है, जिसे आप कहते हैं बड़े सुख से सोया न किंचित हम अभेदिशम। तो परमात्मा की प्राप्ति तो ऑलरेडी है ही है सबको, सर्व व्यापक भी है वैसे भी है, आपकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में, सर्वत्र ऐतदात्मिदग्भम सर्वम वेद कहता है। वो तो ओतश्च प्रोतश्च वेद कहता है। जैसे दूध में घी व्याप्त है, जैसे तिल में तेल व्याप्त है, ऐसे ही वो सर्वत्र व्याप्त है और आप में भी व्याप्त है। तो प्राप्त को क्या प्राप्त करना है? तो भगवत प्राप्ति आपकी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो है ही है। और अगर आप कहें कि उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसी प्राप्ति हम चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन वो भी कोई बड़ी चीज नहीं। आप लोगों ने रामायण तो पढ़ा होगा, गीता पढ़ा होगा, भागवत पढ़ा होगा। जब जब भक्त के सामने भगवान सशरीर प्रकट हुए, सगुण सविशेष साकार रूप में रामकृष्ण बनकर, क्या किसी भक्त ने कहा अच्छा आप आ गए, थैंक यू, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, हो गया, बस यही हम चाहते थे आपके दर्शन हो जाएं, दर्शन चाहते थे। दर्शन का दो एम हो सकता है, या तो वो छुट्टी चाहता है दुखों से, और या तो सेवा चाहता है। दर्शन का मतलब जैसे हमने किसी व्यक्ति को बुलाया और रमेश इधर आओ, आया, कहिए, और चुप हो जाए, उसके बाद आपका स्क्रू ढीला है क्या, हमको बुलाया हो, कुछ बोलते नहीं, अरे क्यों बुलाया हमको? या तो अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए बुलाया, और या तो श्याम सुंदर की सेवा के लिए बुलाया। तो बजाय अत्यंत दुख निवृत्ति के और सेवा के, उसने तीसरी चीज कह दिया। क्या तीसरी चीज? हमको निष्काम प्रेम दीजिए, अविरल भक्ति दीजिए, अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेही गावो, जेही खोजत जोगीश मुनि, और प्रभु प्रसाद को उपाव, तो देहु दया करि राम। हमको भक्ति दो। क्या करोगे भक्ति लेके? ये हमारी प्राइवेट बात है, कुछ भी करें। अब आप दर्शन दिए हैं, आए हैं, और आप पूछते हैं काम बताओ, क्यों बुलाया हमको, तो बता रहा हूं, भक्ति दीजिए।
हम क्या करेंगे भक्ति से, इससे आपसे क्या मतलब, आपको सामान देने से मतलब। हमारी बात है तो हम भक्ति का क्या उपयोग करेंगे। तो भक्ति शब्द का अर्थ ही है सेवा का सामान। भज सेवायाम धातु होती है संस्कृत में, उसी से भक्ति शब्द बनता है। यानी भगवान की एक ऐसी पावन है जिसको पा करके हम जब चाहे भगवान को जहां चाहे वहां जैसे चाहे वैसा हम नचा सकते हैं। यानी सेव्य जिसके अंदर में हो उसका नाम भक्ति। जब सेव्य अंदर में होगा तो सेवा हमको सदा मिलती ही रहेगी। फिर सेव्य नहीं कह सकता कि बैठे रहो हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है नहीं बोल रहा। वो जिस वस्तु के अंदर में आप हैं वो वस्तु मेरे पास है, उसको आपने दिया था ना। हाँ दिया था तो फिर बस एक क्षण को भी आप सेवक से अलग नहीं हो सकते। इसी को इन शब्दों में हमारे शास्त्र कहते हैं, न चलति भगवत पदार बिंदा लवन मिशार्धम अपि यस्सबै सवाग्र्य प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्म भागवत। वो जैसे पतंग को डोरी ने पकड़ रखा है, सदा पकड़ रखा है। पतंग की अपनी कोई सत्ता नहीं, डोरी ही उसका अधिकारी अधिकारिणी है और उसी के अंदर में चलेगा। इसी प्रकार उस भक्ति के अंदर में भगवान रहता है, तो उसका भी अभिप्राय वही हुआ सेवा। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति की कामना करना भगवत प्राप्ति के बाद, ये तो भोलापन है, अल्पज्ञता है, ना समझिए। क्योंकि अगर हमको सेवा मिली तो इसका मतलब भक्ति मिली, और अगर भक्ति मिली तो उसकी नौकरानी मुक्ति तो अपने आप पीछे पीछे हाथ जोड़े खड़ी रहती है, हमको भी ले लो, तक उसको ले लेंगे एक सेकंड को, बिल्कुल नहीं। अच्छा सगुण साकार वाली मुक्ति कहती है हमको तो ले लो, साष्टी मुक्ति, सालोक मुक्ति, सारूप मुक्ति, ये चार मुक्तियां कहती है हमको स्वीकार कर लो। साष्टी सामीप सालोक सारूप, इन चारों मुक्तियों को भी कह दिया एक शर्त पर तुमको ले सकते हैं, क्या? हमारी सेवा में डिस्टर्ब नहीं करना, हम तुम्हारा एकदम अपमान नहीं करते 100%, लेकिन तुम्हारा अधिकार हो हमारी सेवा पर, ऐसी हम चारों मुक्तियों को नहीं चाहते। तो मुक्तियां कहती है महाराज आप चाहो चाहे ना चाहो, हम तो आपके गले पड़ी गए, क्योंकि अब माया का बंधन तो होगा नहीं उस महापुरुष को। जब भगवान उसके अंदर में, तो माया सामने नहीं आ सकती, तो माया का बंधन कभी हो ही नहीं सकता, तो मुक्ति तो ऑटोमेटिक है ही है। इसलिए संत लोग कहते हैं भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई आन इच्छित। यानी इच्छा नहीं किया, मांगा नहीं, चाहा नहीं, लेकिन वो है, हो गई। जैसे यहां अंधेरा है, हम आप लोगों को देखना चाहते हैं, तो हमने ये कह दिया कि आप लोग दिखाई पड़े, ऐसा कुछ करो भाई, तो प्रकाश कर दिया, अब आप लोग दिखाई पड़ गए। अंधकार तो चले गया, उसको क्या मांग रहे हो फालतू। अरे एक रोचक कथा आप लोग हजार बार सुने हैं, सत्यवान सावित्री का। यमराज से सावित्री ने कहा मेरे पति को आप मत ले जाइए, मैं भी साथ चलूंगी। यमराज ने कहा स्पिरिचुअल लॉ चेंज नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, तुमको हम नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे पति को ले जाएंगे। पति को छोड़कर तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो, स्वराज्य साम्राज्य वैराज्य सब देने को तैयार है। तो सावित्री बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि आप देंगे, वचन दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का। यमराज कोई संसारी
पावर वाला नहीं है, स्पिरिचुअल पावर वाला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने यमराज हैं, ये सब भगवान के सर्वेंट हैं। यमो यमयताम हम। तो सावित्री ने कहा तो फिर ठीक है, मेरे 100 बच्चे हो, 100 लड़के हो, लड़के। उन्होंने कहा जाओ दिया, लौट जाओ यमराज, तुमको इतनी अकल नहीं है कि 100 लड़के कैसे होंगे बिना पति के। अगर एक वर्ष में भी एक लड़का होगा तो भी 100 वर्ष की आयु तो अब पक्की रजिस्टर्ड हो ही गई। तो उसी प्रकार अगर किसी को श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई तो फिर मुक्ति तो अपने आप हो गई, उसको मांगने की आवश्यकता क्या। हाँ, मुक्ति तो वे लोग मांगेंगे जिनको भक्ति से कोई सेवा आदि का लक्ष्य ही न हो। याद रखिएगा, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, कोई भी हो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, अधर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति के बिना मुक्ति का प्रश्न ही नहीं। तो भोले भाले लोग मुक्ति चाहते हैं, केवल मुक्ति, और जो समझदार है वे भक्ति चाहते हैं, मुक्ति की तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, अपने आप हो जाएगी, अपने आप होने वाली चीज का ये एहसान क्यों लो भगवान से, सीधी सी बात। इसलिए अपने सुख की कामना का परित्याग करना ही होगा। ये बात आप लोग चाहे आज मान ले, और चाहे इसी प्रकार अनंत जन्म तक बाबाओं के प्रवचन सुने और फिर कभी माने, एक दिन यह बात माननी पड़ेगी, तभी आध्यात्मिक जगत का ABCD प्रारंभ होगा। गांठ बांध लीजिए, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, और अगर आप कहें कि अभी नहीं जल्दी है तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान को क्या जल्दी है। जब आपको जल्दी नहीं है तो भगवान को क्या परेशानी है कि वो जल्दबाजी करें आपके साथ। लेकिन सिद्धांत अकाट्य यही है कि जब भी आपको परमार्थ की कामना जागृत हो तो फिर स्वार्थ की कामना का परित्याग करना होगा। यहीं पर गाड़ी रुकी है। भगवान की भूख जिसे आप कहते हैं, श्रद्धा जिसे कहते हैं, विश्वास जिसे कहते हैं, ये सब चीजों का आधार यही है। यहीं पर गाड़ी रुकी है। गुरु जी के पास बहुत बार गए, श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, यानी 100% नहीं हुआ। हुआ, आगे बढ़ा पीछे हटा, आगे बढ़ा पीछे हटा, ये जोकरी बहुत बार हुई, लेकिन वो स्थाई नहीं हुआ। ये सब गड़बड़ हमारे अंतःकरण की है। ये संसार खतरनाक है। दोष देते हैं हम लोग बाहर के संसार का, हमारी बीवी ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा पति ऐसा है, हमारा बाप ऐसा है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारा देश ऐसा है। अरे क्या बकबक करते हो,
ये तो भगवान का बनाया हुआ है, इसको गाली क्यों दे रहे हो? ये तो तुम्हारे प्रियतम का बनाया हुआ जगत है, सत्य है, इसमें तुम्हारा प्रियतम नित्य व्याप्त है, इसकी बुराई मत करो। अनन्य भक्ति ही तुम्हारी नहीं बनेगी अगर बुराई करोगे तो। सो अनन्य गति जाके मत न तरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। उमा जराम चरण रत विगत काम मद क्रोध, तो निज प्रभु मय देखहिं जगत। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, वो भागवतोत्तमः है। संसार तो भगवान का बनाया हुआ है, इसके प्रति तुम्हारी क्यों दुर्भावना हो रही है? ये मिथ्या भी नहीं है और ये खराब भी नहीं है और ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं रही है। ये सृष्टि ये तो तुम्हारी हितैषिणी है। सृष्टि तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए संसार भगवान ने बनाया, इतनी कृपा की और तुम उसकी बुराई करते हो। जैसे तुम्हारा शरीर है, ये पास वाला तुम्हारा संसार है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसे इस शरीर को चलाने के लिए बाहर का संसार है। आत्मा के लिए शरीर आवश्यक, ध्यान दो, आत्मा के लिए शरीर आवश्यक, शरीर के लिए संसार आवश्यक, ये सब तो हेल्पर है तुम्हारे। एक संसार और है, उस पर क्रोध करो, यानी उससे तुमको सावधान होना है, वो असली संसार है। वो कहाँ है? वो अंदर है, अंतःकरण में है, आत्मा में नहीं, अंतःकरण में, शरीर में नहीं, अंतःकरण में। आत्मा और शरीर के बीच का वो स्थान है, वो पर्सनैलिटी है अंतःकरण। वो कोई मोटी स्थूल वस्तु नहीं, सूक्ष्म अंतःकरण। कभी आप लोग खोपड़ी खुजालते हैं, कभी हृदय में हाथ रखते हैं, कोई कष्ट वगैरह होता है, ये जो आपको भीतर कोई फीलिंग होती है, सोचने विचारने फील करने सुख दुख भोगने आदि की, वो अंतःकरण है, मन कहते हैं उसी को। वो मन में संसार जो है, बस वही संसार भयानक खतरनाक, उसी ने बिगाड़ा है तुम्हारा अनंत पूर्व काल। वो क्या है? यही, बस यही। क्या? कि तुमने स्वार्थ से ही नाता रखा और स्व को समझा शरीर। बस स्व माने आत्मा, लेकिन आपने क्या लगाया स्व माने शरीर? पहली मिस्टेक। अब जब ये मिस्टेक हो गई तो स्व का जो अर्थ है, स्व का जो मतलब है, वो भी बदल गया। आत्मा का मतलब परमात्मा से था, वो आप लगा ही नहीं सकते अर्थ, क्योंकि आपने स्व का अर्थ रखा लगाया है शरीर, तो शरीर का मतलब संसार से हल होगा, इसलिए आप संसार की ओर भाग पड़े। बिना सोचे विचारे भागते चले जा रहे हैं। कोई महापुरुष आया, तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम, अरे सुनो भाई ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं सुनने का, जल्दी पहुंचना है। कहाँ? आनंद नगर। अरे तो आनंद नगर इधर कहाँ है मूर्खानंद? अरे तुम्हारे शरीर के दो चार आदमी बकबक कर रहे, वो हम सुने, या करोड़ों भाग रहे हैं वो सुने? जिस साइड में करोड़ों भाग रहे हैं और करोड़ों कह रहे हैं, इधर आनंद है, निश्चित है, बस वही सही होगा। ये दो चार व्यक्ति जो बोलते हैं तुलसी सूर मीरा कबीर, इनकी बात क्या सुने? ये तो कुछ ढीला है इनका। तो ये जो भीतर का संसार है वासनात्मक, जहां हम संसार की वासना बनाते हैं, वासना शब्द में संसार जोड़ देना, खाली वासना नहीं, यही अंतःकरण भगवान की सेवा की वासना बनाएगा और यही अंतःकरण आपको परमहंसों से आगे ले जाएगा। उसकी बुराई ना करो अंतःकरण की।
इस अंतःकरण में ये जो संसार की वासना हमने बनाया, ममता संसार से किया वासना के कारण, ये मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा धन, ये मेरा मेरा करके जो हमने मटेरियल जगत में अपनत्व कायम किया, ये वासना हमारी डेंजरस है और यही संसार है और यही माया है और यही खतरा है, सब कुछ यही है। बाहर कहीं मत देखो, कोई गड़बड़ नहीं है, सब स्क्रू सही है, स्क्रू ढीला तुम्हारा भीतर वाला है। अगर ये ठीक हो जाए तो बाहर सर्वा सुखमया दिशा, सब मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। जिसने ये अंदर की जागतिक वासना को मिटा दिया या उसको डाइवर्ट करके ईश्वरीय बना दिया, वो क्या कहता है, ईशावास्तविदग्वं सर्वम यत्किंच, जो कुछ भी विश्व में दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता, स्वर्गाधिक लोक, ये सब कुछ नहीं है, सब आनंद ही आनंद है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। सिय राम माय सब जग जानी, सारा संसार सीता राम राधा कृष्ण वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, गीता। वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योर्थोऽस्ति कश्चित्, कोई और तत्व है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। अगर कहो माया का सामान, उसमें भगवान व्याप, अगर कहो जीव, उसमें भगवान व्याप, और फिर और इसके अतिरिक्त संसार में है क्या? अरे जड़ वस्तु है, चेतन है, जड़ चेतन ये दो ही तो है। विज्ञानम चा विज्ञानं च, इसी को वेद कहता है कि स्वयं भगवान ही संसार बना। सो कामयत प्रसा तपो तप्यत और तपश्चर्या उसकी यही, यस्य ज्ञानमयं तपः। और ये जो कुछ उसने बनाया या प्रकट किया, फिर बना करके तदेवानुप्राविशत, उसमें प्रविष्ट हो गया। ध्यान दीजिए, ये जीव कितना सूक्ष्म है, इसकी कोई परिभाषा नहीं कर सका अब तक, वेद ने भी नहीं किया, हो ही नहीं सकती। वेद की परिभाषा जरा आप सुनिए, हंसेंगे। अणु, अणु प्रमाणात्, अणु, अरे अणु माने क्या होता है जी, अणु माने, अणु माने सूक्ष्म, सूक्ष्म, अरे सूक्ष्म तो तमाम वस्तुएं है, ये कैसा सूक्ष्म है जीव कि इतने जीव मर रहे हैं, हजारों घेरे हुए हैं, किधर से चला गया कोई नहीं देखता, ऐसा कैसा सूक्ष्म। छोटी सी लाइट भी अगर कहीं जाती हो अंधेरे में तो दिखाई पड़ती है, ये लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है। और इतने विश्व के वैज्ञानिक, इतने स्पिरिचुअल मैन, ईश्वर को मानने वाले सब ने देखना चाहा, कभी तो वो जीव दिखाई पड़ जाए। एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो वा, आंख से, कहीं मुख से, कहीं कान से, और बड़े बड़े महापुरुषों के सिर से ये जो आत्मा निकलती है, तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ती। शीशे में बंद कर दिया वैज्ञानिकों ने कि शीशे से निकलेगी तब तो दिखाई पड़ेगी, इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं पड़ती। तो वेद ने परिभाषा लिखी, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। वेद कहता है ये बाल है ना, आप लोगों के बाल है सिर में, एक बाल लीजिए और एक बाल का जो अगला हिस्सा होता है उसके 100 टुकड़े कीजिए। अच्छा, कैसे होंगे भला 100 टुकड़े? आप जैसे भी हो कीजिए, फिर 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा लीजिए, फिर उसके 100 टुकड़े कीजिए मोटाई में, तो 100 गिन करके, नहीं 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 सैकड़ों। 100 शब्द का अर्थ है वेद में अनंत टुकड़े कीजिए, अनंत। पश्चिम शरद शतम जीवे मशरद शतम,
इसका मतलब ये नहीं है कि 100 वर्ष कुल जीने की कल्पना मांग रहा है सतयुग में कोई साधक, वहां तो लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र ऑलरेडी होती ही थी। ये 100 वर्ष ये जो आप लोगों का वर्ष है 360 दिन का 65 दिन का, ये तो अभी अभी का है कलयुग का, कि 100 वर्ष की उम्र किसी किसी की होती है। प्राचीन काल में तो करोड़ों वर्ष की उम्र हुआ करती थी। तो सतम माने अनंत, ऐसा कोई सूक्ष्म है जीव और उसमें व्याप्त होना है ब्रह्म को, ध्यान दीजिए। तो जो व्याप्त होगा वो जिसमें व्याप्त होगा उससे भी सूक्ष्म होगा, तभी तो घुसेगा उसमें। व्याप्त होने वाला और सूक्ष्म होगा, इसलिए वेद में कहा सूक्ष्माच्च, ये जीव है, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम्। जीव भी सूक्ष्म, भगवान भी सूक्ष्म, लेकिन भगवान सूक्ष्मतर है। ये तर शब्द संस्कृत में जो आता है दो में जो बड़ा हो, जिसको हमारे इंग्लिश में कहते हैं बेटर, यानी एक सूक्ष्म एक सूक्ष्म, इन दोनों में जो ज्यादा सूक्ष्म हो उसका नाम सूक्ष्मतर, और जब कई सूक्ष्म हो तो सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म हो उसका नाम होता है सूक्ष्मतम। एक तरफ प्रत्यय होता है, एक घटम प्रत्यय होता है, जो भगवान ने गीता में कहा है सर्व गुह्यतम भूय, मेरे वचन तो गुह्य भी है, गुह्यतर भी है, गुह्यतम भी है, लेकिन ये मैं गुह्यतम कह रहा हूं, यानी इसके आगे और कोई गुप्त मत नहीं है। लेकिन जहां दो ही पर्सनैलिटी है, एक जीव एक ब्रह्म, द्वासुपर्णा सविजा सखाया, वेद कहता है तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरी अगर कोई चीज है तो माया है, वो जड़ है, वो चेतन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उसका। तो इन दोनों में सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम् विभाति, वो व्याप्त होने वाला ब्रह्म और भी सूक्ष्म है। और फिर वही सच्च तच्चा भवत निरुक्तम चा निरुक्तम चा निलयनम च विज्ञानम चा विज्ञानम च, और सत्यम अभवत, ध्यान लो सत्यम अभवत। ये सब संसार जो बनाया भगवान ने वो सत्यम अभवत, मिथ्या भवत नहीं कहा वेद ने, सब सत्य है। अरे भगवान ही बना है, इसमें असत्य क्या होगा। इसलिए बाहरी संसार को नमस्कार करो, उसके पर दुर्भावना मत लाओ, अपने मन की वासना का तिरस्कार करो, सारी गड़बड़ी उसकी है। ये भीतर के संसार को समाप्त करना है, लेकिन अनादिकाल से अब तक कोई भी किसी भी साधना से इस भीतर वाले संसार को समाप्त नहीं कर सका, न भविष्य में कर सकेगा। ध्यान दो, ये भीतर का संसार जो संसारी वासना का है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। दिन रात सोचिए समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, क्या समाप्त कर दूंगा। माँ की इच्छा, बाप की इच्छा, बेटे की इच्छा, बीबी की इच्छा, रसगुल्ला की इच्छा, ये जितनी बार तुम सोचोगे ना कि रसगुल्ला की इच्छा समाप्त कर दूं, उतनी बार रसगुल्ले की याद आएगी और इच्छा बढ़ेगी। ये समाप्त नहीं होगा, और आप बीमारी बढ़ा रहे हैं अपनी, ये दवा नहीं है। जैसे आप किसी प्यारी प्यारे का चिंतन करते हैं, प्यार जिसका आप जिससे हो, माँ बाप बेटा कोई, वैसे ही दुश्मनी में दुश्मन का भी चिंतन आप करते हैं। मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसकी किसकी उसकी, वो याद आई ना, आया अंतःकरण में, अंतःकरण में ना आवे, ऐसा करना है ना। आप तो ला रहे हैं उसको। ये वासना अनादिकालीन है और इसकी जननी है माया, और माया पर प्रभाव किसी भी पावर का नहीं हो सकता, केवल भगवान का है, केवल भगवान का। इसलिए ये भीतर की जो आपकी जागतिक वासना है, इसके समाप्त करने की बात न सोचना कभी। और इसी के सब ये परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह
ईर्ष्या द्वेष। आप लोग अपने गुरुओं से जाकर कहते हैं महाराज जी और तो सब ठीक है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा क्रोध, तो क्या करें गुरु जी? अब आप गुरु जी आप गुस्सा किया कीजिए, हमको अपना स्थान दे दीजिए, यही मतलब है। अरे गुस्सा जो है, जिसे क्रोध कहते हो तुम, ये क्रोध माया के सेनापति का नाम है। ये सब बड़े बड़े जनरल हैं माया रूपी उस अध्यक्षा की, ये बड़ी बड़ी पावर है, इन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जननी वहीं जाकर खड़ी होती है माया, और माया ऐसी है किसी वह चतुरानन देखी डराही अपर जीव के ही लेखे माही। इसलिए इनको हटाने का, मिटाने का, छोड़ने का, इन पर गुस्सा करने का ये प्लान गलत। फिर क्या करें, इनको डाइवर्ट कर दो, एरिया चेंज कर दो, सबको रहने दो, ममता तू भी रह, कामना तू भी रह, क्रोध तू भी रह, लोभ तू भी रह, सब रहो, किसी की दुश्मनी नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं, इनको सबको श्री कृष्ण के एरिया में घुमा दो, बदल दो। जैसे साइकिल देखा होगा आप लोगों ने, चले भी होंगे उस पर बैठ करके, साइकिल चलती रहे, चलती रहे, आप दाहिने मोड़ दो, बाएं मोड़ दो, पीछे मोड़ दो, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आप चलाएं ना साइकिल को, खड़े खड़े आप चाहे साइकिल चले तो आप गिर जाएंगे, साइकिल भी गिर जाएगी। ये मन ऐसा है कि चाहे जागतिक वासना बना लो और चाहे ईश्वरीय वासना बना लो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, पेंडिंग में पड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, मन का वर्क ही बंद कर देंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं, ये मन नित्य है, अनादि है, अनादि है, जैसे भगवान अनादि, माया अनादि, जीव अनादि, ऐसे मन भी अनादि। जब आप लोग इस संसार से जाएंगे तो मन साथ जाएगा, सहाय वैता सर भाई ही, ये सब साथ जाएंगे, इंद्रिय मन बुद्धि सूक्ष्म रूप है इनका, ये स्थूल वाले आप संसार में छोड़ जाएंगे, लेकिन मन अगर चल न जाए तो फिर पिछला संस्कार कौन सोचे, फिर तो कोई बच्चा जीवित भी ना रह सके। माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, कैसे पिलाएगी, कैसे समझाएगी बच्चे को कि बच्चे देख, जब मैं अस्तन तेरे मुंह में डालू तो तू अस्तन से ऐसे चूस करके दूध निकाल लेना। अरे वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कौन समझाएगा उसको। लेकिन क्या कमाल है उस अंतःकरण का, मन का, जो तमाम जन्मों में दूध खींच चुका है माँ के अस्तन से, मुंह में लगाते ही अस्तन बच्चे ने बड़े आराम से खींच लिया दूध को। इतनी बड़ी योग्यता का काम बच्चे ने कर लिया। अजी बच्चे का कमाल नहीं, वो अंतःकरण है, अनंत जन्मों का उसका अभ्यास है, वो संस्कार है, उसके कारण उसने कर लिया। तो मन को डाइवर्ट करना होगा ईश्वरीय क्षेत्र में, बस यही एक उपाय है। बाकी आप ये सोचें कि हम इच्छाओं को छोड़ दें, क्रोध को छोड़ दें, लोभ को छोड़ दें, तो आप हाफ मैड नहीं है, फुल मैड है। और ये दवा करने नहीं जा रहे, बीमारी बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार जितने भी हमारे बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों में सबसे प्रधान यही अंदर का जागतिक वासना का संसार है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, एक जो तुम सोचते हो संसार में सुख है या संसार हमारा है, इसके बजाय श्याम मिलन की बात सोचो। मन सोचने का काम करता है, और ये सोचो
सोचने के बाद फिर आगे क्या होगा। संसार में हम सोचते हैं आज हमको रसगुल्ला खाना है, सोचा तो पैसा चाहिए, पैसा है नहीं है तो पड़ोसी से मांग ले, तो पड़ोसी के घर चले, तो चले तो मांगा, तो बाजार गए, तो दुकानदार से कहा, तो उसने तौल कर दिया, तो खाया। अब काम पूरा हुआ रसगुल्ले का, इतना तो लगा तब काम बना। और श्याम सुंदर से मिलने के लिए कुछ नहीं करना, सोचा मिल गए, आगे एक भी सोपान नहीं, एक भी सीढ़ी नहीं है इसके आगे, ये पहला और अंतिम जंक्शन है, सोचा और मिल गए। भगवान कहते हैं देखो कितना सरल है, माँ मनुष्यम मई एवं प्रबिलीयते, अरे मेरा चिंतन करो, मुझे सोचो, बस मैं आ गया। सोचने भर की देर है। अब आपने 1% सोचा तो 1% पास आ गए, आपने 50% सोचा 50% पास आ गए, आपने 100% सोचा, बस सक दे प्रपन्नाय तवास्मी चयाचते, हो गया काम। क्षिप्रम बहुत धर्म आत्मा, वो सोचना कैसा हो और उसके लिए क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी वो आप लोग जानते ही हैं, समझदार हैं, श्रेष्ठ पर कवि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।